हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि आपका स्प्लाइसिंग होता क्या है, स्प्लाइसिंग किस प्रकार से काम करता है, स्प्लाइसिंग के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से हम स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये स्प्लाइसिंग का जो टॉपिक्स होता है आपका, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का ही एक पार्ट होता है। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया है, जिसके मैं दो लेक्चर ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को ही हम आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हमें एक कैपिंग पढ़ना है, जो कि मैं इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के सेकेंड लेक्चर में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा था आपसे कि हमको स्प्लाइसिंग पढ़ना है। थर्ड मैंने बोला था कि आपको पॉलीएडेनाइलेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम आरएनए एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आपका आरएनए एडिटिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज आपका सेकेंड ही इसमें सब टॉपिक आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग। तो गाइज, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो कि आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता क्या। एक्चुअली देखो, काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हुए चलूँगा, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है, आप भी शायद हो सकता है कि भूल गए हो, तो आपको भी दोबारा रिकैप हो जाएगा, ठीक है ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता किस में, प्रोकैरियोटिक्स में या फिर यूकैरियोटिक्स में। तो आपको भली बात ही पता है कि जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, वो आपका यूकैरियोट्स में होता है, ठीक ना। इस यूकैरियोट्स में ही क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट मैच्योर आरएनए नहीं बन पाता। जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में आपको डायरेक्ट मैच्योर आरएनए नहीं मिल पाता, जबकि आपको एक प्री एमआरएनए मिलता है, जिसमें हमारा एक्जोन एंड इंट्रोन होता है, ठीक है ना, जिसमें हमारा क्या रहता है, एक्जोन एंड इंट्रोन होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम इस प्री एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको बेसिकली तीन स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। बेसिकली तीन बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन। कैपिंग हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन हम आगे पढ़ेंगे, एंड स्प्लाइसिंग को हम आज देखेंगे। इस स्प्लाइसिंग की आई थिंक आपकी दो तीन क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं बेसिक सब पढ़ाता हूँ, तो आपको केवल और केवल पहले सुनना है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप पीडीएफ उठा लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, हम आज पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग। कैपिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्प्लाइसिंग में हमें क्या करना होता है, कि स्प्लाइसिंग में हमें इस प्री एमआरएनए से, याद रखो, इस प्री एमआरएनए से ये जो इंट्रोन वाला पार्ट होता है, ये जो इंट्रोन वाला पार्ट होता है, इसको हम नॉन कोडिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नॉन कोडिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ये नॉन कोडिंग रीजन को ही रिमूव करना होता है। ये हमारा स्प्लाइसिंग है, जो कि हम देखेंगे कि हम कितने प्रकार से कर सकते हैं स्प्लाइसिंग को, ठीक है ना। तो देखो, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, कि हमको स्प्लाइसिंग में क्या करना होता है। फिर जब मैंने आपसे बात करी थी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, कटिंग प्रोसेस क्या होती है, ट्रिमिंग क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको केमिकल मॉडिफिकेशन आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये टॉपिक आपका रह गया है केमिकल मॉडिफिकेशन का, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, कि अगर हम किसी ग्रुप पे मेथाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे, या फिर किसी प्रोटीन पर हम एसिटाइलेशन कर देंगे, तो उसका क्या होना है। तो ये टॉपिक आपका रह गया है, जो कि मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि कैपिंग क्या होता है, एक्चुअल में कैप क्या होता है। तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो 7-methylguanine होता है, उसको ही हम कैप बोल देते हैं, ठीक ना, उसको ही हम कैप बोल देते हैं। और उसको अटैच कराना आपके एमआरएनए से, ये प्रोसेस कहलाता है कैपिंग। और ये कहाँ पर परफॉर्म होती है, ये परफॉर्म होती है आपकी 5' पर। इसलिए यहाँ पर एक यूनिक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 5' to 5', ठीक ना, 5' to 5'। इतनी बात आपको याद रखना है। और ये पहला पार्ट होता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का।
ठीक है, ये सारे के तीन स्टेप में होता है। तीन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, कब आपका जो है फॉस्फेटेज की जरूरत पड़ती है, कब आपकी ग्वानिल ट्रांसपरेज की जरूरत पड़ती है, कब आपकी मिथाइलेज ट्रांसपरेज की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमने फंक्शन देखे थे कि इस कैपिंग के फंक्शन, क्यों हमें कैपिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, क्यों हमें कैपिंग करनी चाहिए और कैपिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये सारी बातें हमने देख ली थी। आज का हमारा मेन टॉपिक है स्प्लाइसिंग का, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग का मेन टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना, इसको आप 720 या फिर 1080 में देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली आपको क्या लग रहा है, मैं एक्चुअली अपना ही आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको अपना ही एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपका कोई प्री mRNA है, ये क्या है, प्री mRNA है। हम बात किस में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो हमारा एक प्री mRNA है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें हमें जगह जगह पर हमें देखने को मिलेंगे कि इसमें इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, इंट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये आपके इंट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो इंट्रॉन पार्ट है, ये जो आपको इंट्रॉन पार्ट मिला है, एक्चुअल में ये नॉन कोडिंग पार्ट है। ये कैसा है, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग का मतलब क्या होता है, नॉन कोडिंग का मतलब होता है कि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। इसका मतलब ये जंक पार्ट है, ये कैसा है, जंक पार्ट है, यानी कि इसकी फर्दर कोई भी आगे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमें इसकी भी आपके ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और सेल क्या करता है, सेल अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। तो अब इस प्री mRNA को ये mRNA में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, और जब ये mRNA में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर इसको जो एक्जोन पार्ट है, मान लो ये आपका एक्जोन पार्ट है, ठीक है ना, ये कौन सा है, एक्जोन पार्ट है, तो इस एक्जोन पार्ट को लाइगेट कर देगा। इनको काटने के बाद ये जो आपके नॉन कोडिंग रीजन है, इस नॉन कोडिंग रीजन को हटाया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना, और इसके बाद जो यहाँ पर आपके एक्जोन पार्ट हैं उनको लाइगेट कर दिया जाता है आपस में, उनको लाइगेट कर दिया जाता है आपस में। तो ये तो हमारा बेसिक था, बट सीखने वाली बात क्या है वो देखो। देखो भाई साहब, अब सेल है, सेल के आँख नहीं है, पैर नहीं है, उसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कोई हमें कट लगाना है या फिर यहाँ पर कट लगाना है या फिर हमें केवल इतने पोर्शन को ही कट करना है, ठीक है ना। तो ये बात कैसे पता चलेगी, क्या कुछ स्पेसिफिक होता है यहाँ पर कि पता चल जाता है कि यहाँ पर आपका आपका इंट्रॉन है, इसको हमें रिमूव करना है, या फिर अगर जैसे कि इसने पहचान लिया तो ये यहाँ से रिमूव कैसे करेगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो स्प्लाइसिंग को समझो वन बाई वन के स्प्लाइसिंग आपका होता क्या है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो होता है मोस्टली अकर इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन पूछी जा चुकी है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, बट समटाइम्स हाफ जीन स्प्लाइसिंग इन प्रोकैरियोटिक tRNA आल्सो। क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक्स में जो tRNA होता है, tRNA का भी मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, लीफ स्ट्रक्चर पढ़ी होगी आपने, क्लोवर, जिसको हम क्लोवर लीफ मॉडल भी बोल देते हैं, आपने 3D स्ट्रक्चर tRNA की पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में आपका मॉडिफिकेशन होता है और उसको हम हाफ जीन स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना कि आपका प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है। तो यहाँ पर हाफ जीन स्प्लाइसिंग होती है। इसके बाद इट अकर्स एट द लेवल ऑफ प्री mRNA ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग और ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आपका जो है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है वो स्पेसिफिकली जब आपका ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन हो रहा होता है उस समय पर होता है, बट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के भी होता है। देखो यहाँ पर आपको तीन पार्ट देखने को मिलते हैं, तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, कैपिंग का, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग का, इसके बाद पॉलीएडेनाइलेशन का। ये तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं।
अगर मैं इनसे पूछ इसमें से पूछूं कि कौन सा आपका जो है जब आपका ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन हो रहा होता तब कौन सा प्रोसेस होता है, तब आपको याद रखना है कि कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये जो दो पार्ट होते हैं ये आपके ड्यूरिंग इलोंगेशन चल रहे होते हैं, ड्यूरिंग इलोंगेशन चल रहे होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँगा एडेनाइलेशन का, ये जो एडेनाइलेशन होता है ये आपका जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होने वाला होता है तब इस एडेनाइलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, यानी कि एंड में, एट द लेवल ऑफ एंड। क्योंकि ये जो आपका पॉलीएडेनाइलेशन होता है ये 3' पर होता है, ये कहाँ पर होता है, 3' पर होता है। तो इतनी बात आपको समझनी है, फिर चलते हैं। अब स्प्लाइसिंग एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्प्लाइसिंग इज ए प्रोसेस इन विच नॉन कोडिंग रीजन में आपका क्या आएगा, इंट्रॉन, ठीक है ना, ये आपका क्या आएगा, इंट्रॉन। कॉल्ड इंट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम आरएनए एंड कोडिंग रीजन, जो आपका कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन कॉल्ड एक्सोन आर रिज्वाइन और लाइकेटेड। यानी कि जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है कि आपका जो नॉन कोडिंग रीजन होता है जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो ऐसा रीजन होता है जो आपका प्रोटीन को कोड करेगा उसको लाइगेट कर दिया जाता है, उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। देखो आपको मैं फिर दोबारा से एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक, एंड यूकैरियोटिक में मैंने आपको मोनोसिस्टोनिक नाम की एक टर्म बताई थी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक जीन होता है, ये क्या होता है, वन जीन होता है, ठीक है ना, वन जीन होता है। अब इस एक जीन के अंदर एक्सोन पार्ट भी होंगे, इंट्रॉन पार्ट भी होंगे। तो मैंने ये पॉइंट आपको इसलिए बताया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये पूरे डीएनए में हो रहा है या फिर एक पोर्शन में हो रहा है। तो ये केवल आपको एक जीन में देखने को मिलेगा, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका जीन है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के जो आपका यहाँ तक जीन है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, आपको आई होप डेफिनेशन भी पता चली होगी। टेक्निकली द टर्म एक्सोन अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप बड़े ही ध्यान से देखो कि टेक्निकली द टर्म एक्सोन अप्लाइड टू एनी रीजन दैट रिटेन इन ए मैच्योर आरएनए वेयर एज इट्स कोडिंग और नॉट कोडिंग। यानी कि हम जो एक्सोन टर्म का यूज करते हैं, जो आपकी एक्सोन टर्म है उसका यूज हम कब करते हैं, जो आपकी डीएनए में एग्जिस्ट करें, जो आपका आरएनए निकल करके आया है, जो आपका आरएनए बनेगा उसमें एग्जिस्ट करे, उसके लिए हम एक्सोन टर्म का यूज करते हैं। ई फोर एक्सोन एंड ई फोर एक्सिट, ठीक है ना, एक्सिट नहीं, ठीक है ना, ना ही एग्जिट है ना ही एक्सिट है, यानी कि जो इसमें आपका एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, जो इसमें रह जाए जो आपका आरएनए है, ठीक है। तो आई होप अब आपको स्प्लाइसिंग की थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता चली होगी। इन यूकैरियोटिक मोस्ट एक्सोन, जो एक्सोन होते हैं, आर लेस देन 1000 न्यूक्लियोटाइड विद मैनी इन द 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ये जो आपके एक्सोन हैं अगर इनकी लेंथ की बात करूं तो ये आपके 1000 लेंथ तक हो सकते हैं, कितने, 1000 लेंथ तक हो सकते हैं। बट जब आप नॉर्मल देखोगे, ठीक है ना, जब आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो ये आपको 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड के मिलेंगे स्पेसिफिकली। जबकि अगर मैं बात करूं इंट्रॉन की तो ये वेरी करते हैं, ये 50 to 200 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया था, यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया बट यहाँ पर मैंने ज़्यादा पोर्शन लिया, क्यों, क्योंकि ये एक ही जीएनए में इनकी जो रेंज हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर आपकी 50 भी हो सकती है एंड आपकी 2000 भी हो सकती है, ठीक है ना, तो ये दोनों रेंज आपको देखने को मिल सकती हैं, इतनी बात आप याद रखना। तो अब आपकी समझ में ये सारे के सारे पॉइंट आए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आए हैं तब आप कुछ भी कमेंट, मतलब कुछ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर यहाँ पर देखो एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जीन दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है ना, एक जीन दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एग्जोन, इसको बोलते हैं एग्जोन। एंड ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं इंट्रोन, इंट्रोन या फिर नॉन कोडिंग रीजन। अब ये जो नॉन कोडिंग रीजन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना है, इस हटाने को ही, इसको रिमूव करना, इस इंट्रोन पार्ट को रिमूव करना ही स्प्लाइसिंग कहलाता है। एंड जब ये रिमूव हो जाते हैं तो जो बचे हुए आपके एग्जोन होते हैं वे आपस में लाइगेट हो जाते हैं। तो हमें ये ही देखना है कि किस प्रकार से सेल डिसाइड करेगा कि कहाँ से हमको कट करना है एंड किस प्रकार से हमको लाइगेट करना है। हमें देखना है कि यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है, ठीक ना, पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसके बाद दूसरी बात हमें देखनी है कि ये जो हमारा इंट्रोन बाहर निकला है इसका लास्ट में जा कर के क्या हुआ है, ठीक ना, इस इंट्रोन के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो चलिए आइए और भी ज़्यादा देखते हैं, फिर हम अपने कैरेक्टर के, इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्लाई जो आपकी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में भी एनर्जेटिक और विदाउट एनर्जेटिक्स, यानी कि जो आपकी स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है वो उसमें आपका एटीपी का यूज हो भी सकता है एंड एटीपी का यूज नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि स्प्लाइसिंग का कौन सा टाइप्स है, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग का कौन सा टाइप्स है। बेसिकली स्प्लाइसिंग को हम तीन भागों में बांटते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। इसके बाद द नंबर ऑफ इंट्रोन फाउंड विद इन ए जीन वेरियस इनोमर्सली, यानी कि जो आपके इंट्रोन्स होते हैं, याद रखो जो आपके इंट्रोन्स होते हैं उनकी संख्या आपकी एक भी हो सकती है, दस भी हो सकती है, हजार भी हो सकती है, ठीक है ना, एक ही जीन में। तो ये आपके वैरी करते हैं, ये आपके वैरी करते हैं। द साइज ऑफ इंट्रोन इज वेरी ऑफ्टन मच लॉन्गर दैन द एक्चुअल, इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछा भी जाता है स्टेटमेंट में कि बताइए कि एग्जोन पार्ट छोटा होता है इंट्रोन से या फिर बड़ा होता है। तो मोस्टली जो इंट्रोन होता है वो आपका बड़ा होता है, ठीक है ना, वो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि जो आपका एग्जोन पार्ट होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू इंट्रोन, ठीक है ना। तो आई होप तीन पॉइंट ये आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। द स्प्लाइसिंग मस्ट अकर विद ग्रेट प्रिसीजन टू अवॉइड द लॉस और एडिशन, यानी कि क्या कह रहा है ये वो देखने की आप कोशिश करो। देखो भाई साहब, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि ये जो इंट्रोन पार्ट है, ये जो आपका इंट्रोन का पार्ट है, इस इंट्रोन का कोई भी न्यूक्लियोटाइड, इस इंट्रोन का कोई भी न्यूक्लियोटाइड एग्जोन में एग्जिस्ट ना करे, यानी कि ये रह ना जाए जब इस इंट्रोन पार्ट को रिमूव करें, या फिर ये जो एग्जोन है इसका कोई सा पार्ट रिमूव ना हो जाए, ठीक ना, इसका कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड रिमूव ना हो जाए। अगर न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है तो पूरा जेनेटिक कोड बदल जाता है, पूरा प्रोटीन का कोड बदल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये आपका कैसा होता है, प्रिसीजन होता है, ठीक ना। इसलिए इसको दूर करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए सेल अलग अलग जो है स्ट्रेटजी का यूज करता है, ठीक ना, अलग अलग स्ट्रैटर्जी का यूज करता है जिसके बेस पर हम स्प्लाइसिंग को डिवाइड भी करते हैं। ऑफ इवन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड एट विच द एग्जोन आर जॉइन, यानी कि द स्प्लाइसिंग मस्ट अकर विथ ग्रेट प्रिसीजन टू अवॉइड द लॉस और एडिशन ऑफ इवन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड एट विच द एग्जोन आर जॉइन, जहाँ पर आपका इंट्रोन बाहर जाता है एंड एग्जोन आपका सम अप होता है, मिलता है, वहाँ पर बड़ा ही ध्यान रखा जाता है कि एक भी एग्जोन का पार्ट बाहर ना निकल जाए एंड इंट्रोन का कोई भी न्यूक्लियोटाइड आपका एग्जोन में ना रह पाए। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रख लेना। इसके बाद देखो, सम प्री mRNA कैन बी स्प्लाइस्ड इन मोर देन वन वे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लो ये कोई मैंने प्री mRNA बना दिया,
ठीक है ना, प्रिय एमआरएनए बना दिया। और इसमें अगर मैं लोकेटेड करूँ तो मान लो ये आपका कोई भी, ये आपका इंट्रोन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, इंट्रोन है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एक ये इस इन दोनों इंट्रोन को निकाल दें, ठीक है ना। ये जो आपका स्प्लाइसिंग प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपके दोनों इंट्रोन को निकाल दे समटाइम्स, ठीक ना, समटाइम्स याद रखो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके पास कई सारे तरीके हैं, इसके पास कई कई सारे तरीके हैं कि वो इसको मॉडिफाई कर सके, इस एमआरएनए को मॉडिफाई कर सके, ठीक है ना। यानी कि वो अल्टरनेटिव फॉर्म में भी स्प्लाइसिंग कर सकता है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्प्लाइसिंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे। तो सम प्रिय एमआरएनए कैन बी स्प्लाइस्ड इन मोर देन वन वे, यानी कि एक से ज़्यादा आपके वे स्प्लाइस कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वे में स्प्लाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल्ड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होती है आगे देखेंगे। ट्रांस स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, ये ट्रांस एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। रिमूविंग ऑफ इंट्रोन मेक्स डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक लीनियर और लैरिएंट। जब आपके ये इंट्रोन वाला पार्ट बाहर निकलता है, याद रखो जब आपका ये इंट्रोन वाला पार्ट बाहर निकलता है तो या तो ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो ये इसी फॉर्म में निकलता है, या फिर ये एक लैरिएंट स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि कब लैरिएंट स्ट्रक्चर बनती है एंड कब आपके लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। आई होप ये सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। देखो लेक्चर लंबा होएगा, ठीक है ना, वो तो होना ही है, बट यहाँ पर एक एक बात आपको समझ करके चलनी है, एक एक बात आपको समझ करके चलनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपके लिए एक प्री एमआरएनए का डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। ये आपका प्री एमआरएनए का डायग्राम है जिसको आपको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका 5' है, ये आपका 3' है। किसी को कोई शक आई थिंक नहीं होना चाहिए। जो आपका प्री एमआरएनए बना है ये आपका 5' है, ये आपका 3' है, ठीक है ना। आपको पता है जो 5' होता है यहाँ पर आपका फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जबकि जो 3' होता है उस पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या होता है यहाँ पर देखो, मैंने जितने भी डायग्राम यहाँ पर बनाए सबको, सब में क्या है कि आपको इंट्रोन पार्ट अंदर के साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि इंट्रोन जितने भी होते हैं वो इंटरनल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके जो एग्जोन होते हैं वो एंड पर होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। जो आपका एग्जोन वाला पार्ट होता है ये आपका एंड पर ज़रूर पाया जाता है, ठीक है ना। और जो हमारे इंट्रोन वाले पार्ट हैं वो अंदर के साइड में होते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इस एग्जोन की बात करें, इस एग्जोन की बात करें, मान लो हमने ये वाला एग्जोन उठा लिया है तो ये वाला भाग तो इसका 5' होगा, ठीक है ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एंड इस ही एग्जोन का ये वाला पार्ट का अगर मैं एंड ले लूँ तो ये आपका 3' होगा, ठीक है ना, 3' होगा, किसी को कोई आपत्ति आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब इस ही इंट्रोन का अगर मैं स्टार्टिंग वाला ये वाला पॉइंट ले लूँ मैं आपका, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर मार्कर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट उठा लूँ तो इसको मैं बोलूँगा 5', ठीक है ना, इसको बोलूँगा 5'। एंड इसी इंट्रोन का ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगा 3', किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि इसके सर ये तो आप मैं बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। मैं कहूँगा कि भाई साहब पहले इंसान बच्चा ही होता है फिर बड़ा होता है, अगर ये बात नहीं सीखोगे तो आगे इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक बात देखो, जो हमारा इंट्रोन वाला पार्ट है यहाँ पर ये 5' to 3' लोकेटेड है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हमें इस इंट्रोन पार्ट को ही बाहर निकालना है, हमें क्या करना है, इस इंट्रोन पार्ट को ही बाहर निकालना है। तो हमारा कट कहाँ पर लगेगा, तो हमारा एक कट तो लगेगा इस 5' पे, ठीक है ना, इस 5' पे कट लगेगा, एक कट लगेगा इस 3' पे,
ठीक है ना, इस 3 प्राइम पे कट लगेगा, तभी तो ये आपका इंट्रोन पार्ट बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पर आप खुद बता सकते हो कि आपको कितने, एक इंट्रोन निकालने के लिए, एक इंट्रोन निकालने के लिए कितने कट की आवश्यकता है। तो 1 इंट्रोन निकालने के लिए आपको 2 कट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना, 2 कट की आवश्यकता पड़ती है। एक्चुअल में इसको कट नहीं बोला जाता, इसको ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन बोला जाता है। क्यों इसको ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाली लोकेशन आपकी जो मैंने आपको यहाँ पर बनाई है, इस लोकेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, तो इस लोकेशन को याद रख लेना, इस लोकेशन को हम, ये एग्जोन पार्ट, ये इंट्रोन पार्ट, तो इसको एग्जोन इंट्रोन जंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एग्जोन इंट्रोन जंक्शन, ठीक है ना, एग्जोन इंट्रोन जंक्शन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये इंट्रोन के 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पर प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये बात आपसे पूछी जाती है कि बताइए 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है। बच्चे क्या काम करते हैं कि देखते हैं कि 5 प्राइम ये रहा, 3 प्राइम ये रहा, और वे टिक लगा करके आते हैं कि स्टार्टिंग में। तो ऐसा नहीं है, आपसे पूछा जाएगा एग्जोन इंट्रोन जंक्शन को दे करके। तो अब आपको पता चल गया कि एग्जोन इंट्रोन जंक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पर। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँगा इस वाले जंक्शन की, इस वाले जंक्शन की, तो यहाँ पर देखो ये आपका इंट्रोन का पार्ट एंड ये आपका एग्जोन का पार्ट, तो इसको बोलेंगे इंट्रोन एग्जोन जंक्शन, इंट्रोन एग्जोन जंक्शन। एंड ये इंट्रोन का कौन सा पार्ट है, या फिर जहाँ से स्प्लाइसिंग होनी है उसका कौन सा पार्ट है, तो ये आपका 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। कौन सा पार्ट है, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट वाला पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, आई थिंक आ गई होगी, क्योंकि इतने आराम से कोई नहीं पढ़ाता जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ और मज़े से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको भी ध्यान से पढ़ना है और मज़े लेकर के यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अब आगे देखते हैं, इसी पार्ट को हम लेकर के चलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो मैंने जितना लिखा है मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ है। इसमें मैं बना देता हूँ यहाँ पर ये 5 प्राइम, ठीक है ना, आपकी सुविधा के लिए ये आपका 3 प्राइम। और अगर इंट्रोन की बात करूँगा तो ये आपका 5 प्राइम, ठीक है ना, एंड ये आपका 3 प्राइम इंट्रोन के लिए। आपको इतनी बात याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब सेल को क्या काम करना है कि भाई साहब ये जो इंट्रोन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट है, इसमें आपके एग्जिस्ट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड, बे न्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ए वी सी डी। मैं यहाँ पर यूरेसिल, एडेनिन, थायमिन, ठीक है ना, इन चीज़ के नाम नहीं दे रहा मैं, डायरेक्ट ए वी सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपके, आपको पता है जो आपका आरएनए होता है उसमें आपके यू ए सी जी ये होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता डीएनए के लिए तो यूरेसिल की जगह यहाँ पर थायमीन आ जाता, ठीक है ना। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, न्यूक्लियोटाइड में ये 4 नाइट्रोजिनस बेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अब स्पेसिफिकली यहाँ पर कट करना पड़ रहा है इस वाले, मान लो यहाँ पर भी आपका कोई सा न्यूक्लियोटाइड था, ये मैं लिख देता हूँ जी एच आई, तो अब स्पेसिफिकली यहाँ पर कट करना पड़ेगा। तो इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कोई जरिया है, क्या कोई यहाँ पर सिग्नल होता है जिसके थ्रू ये पहचाना जाता है, तो आंसर है कि हाँ, ठीक है ना, इसी वजह से हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात अब पता लगी होगी। तो अब आपको एक बात और पता लगी है कि एक इंट्रोन को निकालने के लिए, एक इंट्रोन को निकालने के लिए हमको कितने कट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 कट की, एक आपका ये वाला पार्ट, दूसरा आपका ये वाला पार्ट।
और इस कट को देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जो कट लगेगा अगर मैं इंट्रॉन की बात करूँ तो ये 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा और इससे ये आपका एक्जोन वाला पार्ट है एंड ये आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है एंड ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आपने बरसों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप के दो न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम इंट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये जो आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हमको रिमूव करना है भाई, ठीक है ना। इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हमें रिमूव करना है। इसको फास्फोडाइएस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो भाई साहब यहाँ पर आपके दो बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड ये बनता है, दूसरा बॉन्ड ये बनता है, बीच में आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना, तो वहाँ से पढ़ लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या काम करना है, हमको इन बॉन्ड को ही रिमूव करना है, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को रिमूव यहाँ से कैसा करा जाएगा, तो इसके लिए गाइज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, या तो कोई एक्सटर्नल आपका यहाँ पर फैक्टर आएगा, यानी कि बाहर से कोई फैक्टर आएगा, या फिर वो फैक्टर आपका इंटरनल हो सकता है, ठीक है ना। या तो आपका कोई बाहर से कोई ग्रुप आएगा जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, या फिर इस प्री एमआरएनए का कोई सा ऐसा पार्ट होगा जो आपका इस फास्फोडाइएस्टर पे यहाँ पर ब्रेक करेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी मान लो कोई भी, मैं किसी भी यहाँ पर बंदे का नाम ले सकता हूँ, यहाँ पर मान लो कोई बंदा जेड आया, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये आपका इंटरनल भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा, इस जगह पे जाकर के अटैच हो जाएगा एंड अटैच होने के बाद यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक कर लेगा, ब्रेक करेगा एंड ब्रेक करने के बाद ये अपने आप को ज्वाइनिंग करा लेगा इस वाले पार्ट से। देखो अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कट लगाना है एंड ये आपका किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका मैं सही करके ही बना देता हूँ इसको, ठीक है ना। मान लो ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है ना, ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक फैक्टर आया कोई भी जेड। अब ये जेड क्या करेगा, ये जेड जो है आपका जाकर के ज्वाइन हो जाएगा कहाँ पर, इस बॉन्ड से, ठीक है ना। और इस बॉन्ड से ज्वाइन होने के बाद ये यहाँ से तो बॉन्डिंग को रिमूव कर देगा, लेकिन खुद इस इंट्रॉन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, यानी कि जो इंट्रॉन का 5 प्राइम वाला पार्ट होगा, ये वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप मेरे ख्याल से अभी भी नहीं समझे होंगे तो मैं आपको और बता देता हूँ, और समझो। मान लो ये आपका कोई भी इंट्रॉन का, ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका एक्जोन वाला पार्ट है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ध्यान देना। ये मान लो इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, ये आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये आपका कौन सा पार्ट है, इंट्रॉन का पार्ट है। अब हुआ क्या कि बाहर से भी आ सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है एंड इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि आपका मान लो कोई फैक्टर आया जिसका नाम मैंने जेड दे दिया है अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब ये जैसे ही जेड फैक्टर आएगा ये आपका यहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, ये वाला अगर मैं एक्जोन की बात करूँ तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और 3 प्राइम पर कैसा होता है, OH ग्रुप होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। ये आपका फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा,
ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जा करके अटैक करेगा। इस अटैक को हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक के नाम से जानते हैं, इस अटैक को हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये क्या काम करता है, जो 5' का फॉस्फेट होता है, ये जो 5' का फॉस्फेट एंड OH होता है, ठीक है ना, 3' OH एंड 5' का फॉस्फेट, तो ये ब्रेक कर देता है इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ब्रेक करके और खुद इस 5' से जुड़ जाता है, इस 5' से अटैच हो जाता है। और यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनना था, तो बॉन्ड बनना था आपका फॉस्फोडाइएस्टर, याद रखो मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो जेड आया, इसने यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर लिया, इसने ट्रांसफ़र कर लिया 5' पे, और 5' पे भी कहाँ पर, एस्टर ग्रुप पे, 5' पर भी कहाँ पर, एस्टर ग्रुप पे, ठीक है ना। और एस्टर ग्रुप पे जैसे ही इसने जो जा करके अटैच कर लिया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, यानी कि ट्रांसफ़र कर लिया है, कोई बाहर से आए एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आए, ट्रांसफ़र कर लिया है एस्टर ग्रुप को, एस्टर ग्रुप को ट्रांसफ़र कर लिया है अपने ऊपर, इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। और स्प्लाइसिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि देखो, जैसे ही अब क्या होता है कि यहाँ पर ये 3' OH यहाँ से हटेगा, तो ये वाला जो इंट्रोन वाला पार्ट है, ये यहाँ से हट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बचेगा आपका 3' OH बचेगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी आप केवल और केवल इतना समझो, यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको याद रखना, अब इनके बीच में ब्रेकडाउन लग चुका है, ठीक है ना, इसके बीच में ब्रेकडाउन लग चुका है। ये जो जेड फैक्टर है, जो एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, या तो ये एनर्जी के बेस पे काम कर सकता है या फिर विदाउट एनर्जी के बेस पर काम कर सकता है, वो देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा टाइप्स है। अभी मैं टाइप्स पे नहीं लेकर के गया, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ट्रांस एस्टरीफिकेशन का मतलब पता चला होगा। तो ये जो ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, अब इसका कुछ स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं कि आपका क्या होता है कि ईच ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज ब्रोकन। अभी मैंने आपको बताया, जब कभी भी आपकी स्प्लाइसिंग होती है तो वहाँ पर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक आपको मिलेंगे, ठीक है ना, एंड रिप्लेस विद एन एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको जैसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपका हटेगा, वैसे ही आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, मैं इसको आपको अभी और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, जब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो 3' वाला पार्ट है, 3' OH वाला पार्ट है, ये किस प्रकार से ज्वाइन होगा। तो जैसे ही ये ज्वाइन होगा, ये जो ज्वाइन होगा, ये यहाँ पर 5' से ज्वाइन होगा, एंड ये बाद में आपस में अपना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना, यानी कि एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर भी आपका बन जाएगा एंड दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपका यहाँ पर भी बन रहा है। इसलिए इस कम्प्लीट रिएक्शन को हम ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये हट करके बॉन्ड बनता है, अभी धैर्य रखो, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग ऑफ मोस्ट इंट्रोन्स, जब आपके स्प्लाइसिंग होती है तो इंट्रोन क्या करते हैं कि फर्स्ट ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एट द लेवल ऑफ 2', यहाँ पर देखो बड़े ही ध्यान से देखो कि आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ, अगर मैं RNA का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मैं कोई एक बेस जोड़ देता हूँ, ये आपका बेस है
एंड यहाँ पर आपका CH3OH एंड फॉस्फेट ग्रुप आपके लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं। ये आपका सेकंड प्राइम OH होता है, ये आपका सेकंड प्राइम एंड ये आपका थ्री प्राइम OH होता है, ठीक है ना। और RNA के अंदर ये दोनों ग्रुप ही आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन होता है, जो आपका फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन होता है, यानी कि फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन कहाँ पर होगा, इस एक्जोन इंट्रोन वाले पार्ट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन कहाँ पर होता है, तो याद रखना है फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन आपका यहाँ पर होता है, ठीक है ना, एंड सेकेंड ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन आपका यहाँ पर होता है। तो ये लोकेशन आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना, कि फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन कहाँ पर हो रहा है एंड सेकंड ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन कहाँ पर हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन अकर एट द लेवल ऑफ 2' एंड 3' OH, यहाँ पर 2' या फिर 3' आपके OH पर होगा, यानी कि या तो ये यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन, या फिर ये यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट रिएक्शन में ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एंड ब्रेक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एक्जोन इंट्रोन जंक्शन, जो आपका एंट्रोन एक्जोन इंट्रोन जंक्शन है उसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, एंड ये आपका जो फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन हो रहा है ये आपका सेकेंड प्राइम पर भी हो सकता है एंड आपका 3' दोनों पर हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये यहाँ आपका फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पर आपका क्या बचता है, तो यहाँ पर आपका 3' OH, अगर मान लो हमने 3' पे हुआ है तो मैं यहाँ पर 3' को एज ए कॉमन लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर आपका 3' OH बच जाता है, एंड ये जो 3' OH बचा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये ही आपका जा कर के एस्ट्रिफिकेशन करता है, यानी कि जो सेकंड आपका जो है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन होता है वो इस 3' OH से ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन है ये कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल वाला पार्ट आपका ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कर रहा था, ठीक है ना, जबकि जो ये सेकंड वाला ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन होता है ये हमेशा इस 3' OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ही होता है आपका, ठीक है ना। यानी कि सेकंड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इज कैटलाइज बाय 3' OH ग्रुप ऑफ डिस्प्लेस्ड एक्जोन एट इंट्रोन एक्जोन जंक्शन टू कंप्लीट रिमूवल ऑफ 1 इंट्रोन, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये जंक्शन कौन सा है, इंट्रोन एक्जोन जंक्शन, तो अब आपसे या तो 5' स्प्लाइसिंग साइट बोल दिया जाएगा या फिर एक्जोन इंट्रोन जंक्शन बोल दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन कहाँ पर हो रही है, एक्जोन इंट्रोन पे, सेकंड ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, इंट्रोन एक्जोन पे। इतनी बात पता चली, अभी तो हम बेसिक पे गए हैं, अभी हम बेसिक पर गए हैं, तो मैं अब यहाँ पर एक ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बना देता हूँ कि क्या हुआ और हमने क्या क्या देखा, ठीक है ना। तो आर यू रेडी, आई थिंक रेडी होंगे, ठीक है ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अपनी कैपेसिटी ना थोड़ी बढ़ाओ, दो दो चार चार घंटे पढ़ने की जो है अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अगर दो दो चार चार घंटे भी पढ़ रहे हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गाइस। तो ये होगा कब, आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस से ये होगा। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है वो देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ओवरऑल एक ही यहाँ पर आपका इंट्रोन बना देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये पार्ट है आपका एक्जोन वाला, ठीक है ना, ये पार्ट है आपका इंट्रोन वाला, इतनी बात पर सॉरी, ये वाला पार्ट है आपका इंट्रोन वाला, ये फिर आपका पार्ट आ जाता है एक्जोन वाला, ठीक है ना। इतने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हुआ क्या कि ये आपका जो है एक्जोन वाला पार्ट है, एक्जोन वाला पार्ट है, एंड ये आपका जो है एक बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, इतनी बात याद रख लेना, ये एक बॉन्ड बना रहा हूँ, और यहाँ पर ये दोबारा से फिर एक्जोन वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसके नाम यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ये आपका इंट्रोन है, ये आपका एक्जोन है, ये भी आपका एक्जोन है। इतनी बात में अगर किसी कोई दिक्कत तो भाई बता देना, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया है
कि ये आपका एग्जोन इंट्रोन जंक्शन है, ये वाला पार्ट एग्जोन इंट्रोन जंक्शन, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे इंट्रोन एग्जोन जंक्शन। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर मैं इंट्रोन के बेस पर बात करूँ, क्योंकि हमें इंट्रोन को ही निकालना है, तो मैं यहाँ पर इंट्रोन के बेस पे ही बात करूँगा। इंट्रोन के बेस पे कैसे होगी कि ये जो पार्ट है ये आपका 3' OH वाला है, ठीक ना, ये आपका 3' OH वाला है, ये आपका 5' वाला है, ठीक ना, 5' वाला है जिस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, ठीक ना, और ये आपका बॉन्ड रिप्रेजेंट करा है मैंने नीचे की साइड में। इतने में किसी कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ये आपका 3' OH वाला पार्ट है, ठीक है ना, एंड इस एग्जोन का ये फिर आपका 5' वाला पार्ट फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इतने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने स्टेटमेंट में क्या बताया है कि आपका कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये मान लो जेट फैक्टर है, ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल कहाँ से आता है, कौन होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे, या फिर इंटरनल है तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो ये जो जेड फैक्टर आया है एक्चुअल में ये क्या काम करेगा, ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। इस बॉन्ड पर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका करेगा, और जैसे ही आपकी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये जो इंट्रोन वाला पार्ट है, ये जो इंट्रोन वाला पार्ट है इससे जा कर के ज्वाइंट हो जाएगा, इससे जा कर के ज्वाइंट हो जाएगा। और जैसे ही ज्वाइंट होगा, जैसे ही ये जो आपका ज्वाइंट होगा, मैं यहाँ पर नेस्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये मान लो आपका एग्जोन वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये इसका 3' OH है, ये इसका 3' OH है। अब ये फ्री हो जाता है, ये फ्री हो जाता है, और यहाँ पर जेड फैक्टर आएगा जो कि इंट्रोन के 5' से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इंट्रोन के 5' से जुड़ा हुआ है जेड फैक्टर। और मगर अभी भी प्रॉब्लम एक है कि इससे आगे एग्जोन जुड़ा हुआ है, इससे आगे एग्जोन जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो होगी या तो वो 3' पे हो सकती है या फिर 2' पर होती है, मोस्टली 3' पे होती है, इसलिए मैं यहाँ पर 3' OH लेकर के चल रहा हूँ, ठीक ना। अब ये तो थी आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब सेकंड में क्या होगा वो देखो भाई साहब, सेकंड आपके लिए देखनी ज़रूरी है एंड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर आपको पता है ये आपका 3' OH है, ये आपका 3' OH है, एंड ये आपका 5' फॉस्फेट है, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपका फ्री हुआ है, ये जो आपका 3' OH फ्री हुआ है, अब ये ही जा कर के अटैक मारेगा यहाँ पर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जो आपका एग्जोन का पार्ट फ्री हुआ है यही आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस एग्जोन वाले पार्ट पर, वो भी कहाँ पर, 5' पर, यानी कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। एंड अटैक करने के बाद यहाँ से ये जुड़ जाएगा एंड ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा आपका इंट्रोन वाला पोर्शन है, ये वाला इतना, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इनको यहाँ पर नाम दूँ, अगर मैं इनको नाम दूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, एंड ये हमारा जो बचा हुआ इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ 5, इसको मैं आपका इंट्रोन नाम ही देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपस में अब जैसे ही ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड लाइगेट हो जाएगा, यहाँ पर ये मैं फर्स्ट कर देता हूँ एंड ये मैं आपका सेकंड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आपका आपस में लाइगेट हो जाते हैं, वो भी किस बॉन्ड से, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो यहाँ पर आपका केवल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ट्रांसफ़र हुआ है, केवल ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को फास्फोडाइएस्टर आपका या फिर ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो आपका ये जो पोर्शन बचा है, ये जो आपका पोर्शन बचा है, ये क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। एंड ये बाहर निकलने के बाद इससे फैक्टर जुड़ा हुआ है ये जेट,
ठीक है ना, ये हमारा इंट्रोन का पार्ट है, ये लास्ट में जा कर के क्या होगा, ये आपका जो है डिग्रेड हो जाएगा, ये बाद में जा कर के डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब होता ऐसे है कि या तो ये जब यहाँ से निकला, या तो ये जब यहाँ से निकला तो ये लीनियर फॉर्म में निकल सकता है या फिर इस लैरियंट फॉर्म में भी निकल सकता है। कब लीनियर बनती है, कब आपकी लैरियंट बनती है, वो भी हम देखेंगे। तो आई होप गाइज अभी तक आपको ये तीन बात पता लगी होंगी कि स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग में किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, एंड आपका ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, एंड एक इंट्रोन को बाहर निकालने के लिए आपको कितने ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्प्लाइसिंग ऑफ ईच न्यूट्रन ईच इंट्रोन यानी कि एक इंट्रोन को निकालने के लिए आपको टू ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है ना। आपको आई होप इतना पता होगा। अब देखो, अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। अभी तक हमने बात की है कि यहाँ पर कोई बाहर का फैक्टर आएगा, यहाँ पर कोई बाहर का फैक्टर आएगा, ये एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल हो सकता है, लेकिन ये काम किस पे कर रहा है, इंट्रोन पे। ये काम किस पे कर रहा है, इंट्रोन पे, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करेगी, इस इंट्रोन वाले पार्ट पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि निकलना तो बाहर इसी को है। अब इस इंट्रोन प्रॉपर्टी के ही ऊपर, इस इंट्रोन प्रॉपर्टी के ऊपर ही, इस इंट्रोन को देखते हुए हम स्प्लाइसिंग को तीन भागों में बांटते हैं, हम स्प्लाइसिंग को तीन भागों में बांटते हैं। अब ये तीन भाग कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ग्रुप फर्स्ट इंट्रोन हो सकता है, ग्रुप सेकंड इंट्रोन हो सकता है, एंड ग्रुप थर्ड इंट्रोन हो सकता है, ठीक ना। तो ये आपके इंट्रोन के तीन भाग हैं, यानी कि हम स्प्लाइसिंग को तीन भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। अब आप कहोगे कि सर आपने अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग नहीं बताया, सर आपने आरएनए एडिटिंग नहीं बताया, तो बेबी बताऊंगा, ध्यान से सबर से सुनो, ठीक ना। आगे हैं किस में आपका आरएनए एडिटिंग आता है, किस में आपका अल्टरनेटिव आता है, वो सारी बातें हम करेंगे, मगर इसको अभी आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो होया क्या कि आपका ग्रुप फर्स्ट इंट्रोन जो है उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कैटलाइज बाई OH ग्रुप ऑफ अन एक्सटर्नल ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इस ग्रुप फर्स्ट इंट्रोन में कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर आएगा जिसको हम ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड याद रख लेना, ये आपका GTP भी हो सकता है, ठीक ना, ये आपका GTP भी हो सकता है, ये आपका GDP भी हो सकता है, ये आपका GDP से भी आ सकता है, एंड ये आपका GMP से भी आ सकता है। हमको ज़रूरत है केवल और केवल ग्वानिन की, हमको ज़रूरत है केवल और केवल ग्वानिन की, ठीक है ना। तो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। इसके बाद सेकंड आपके जो ग्रुप सेकंड इंट्रोन होता है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड प्राइम OH इंटरनल एडेनिन रेसिड्यू, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है वो आपके इंटरनल एडेनिन रेसिड्यू से होती है। ये देखेंगे कि आपका इंटरनल एडेनिन रेसिड्यू क्या होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, किसके अंदर होता है, इंट्रोन के अंदर होता है फिर एक्सोन के अंदर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रेजेंट विद इन द इंट्रोन, जो एडेनिन ग्रुप होता है वो आपका इंट्रोन में प्रेजेंट होता है, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ग्रुप थर्ड इंट्रोन यानी कि थर्ड टाइप में क्या होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म सिमिलर टू ग्रुप सेकंड इंट्रोन बट रिक्वायर स्प्लाइसियोसोम। अब ये स्प्लाइसियोसोम्स क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा चुका। देखो अगर यहाँ पर आपका अगर चार नंबर में क्वेश्चन बनेगा तो इस ग्रुप थर्ड इंट्रोन से बनेगा, और अगर आपके दो नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड से मिलकर के बनेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों को करेंगे,
बट करेंगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। तब तक के लिए दो मुझे इजाज़त, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप बातें याद करके आओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।